उसके बाद आता है इंसर्ट इलस्ट्रेशंस। मेरे ख्याल से मुझे ये टेबल का डेटा हटा ही देना चाहिए क्योंकि मुझे ये स्पेस यूज करनी पड़ेगी। कैसे हटा सकते हैं इसे? मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और डिलीट कर सकता हूँ। मेरा टेबल था इसलिए मेरी फॉर्मेटिंग चली गई। अगर मैं इसको मैनुअली फॉर्मेट करके रखता तो मुझे मैनुअली फॉर्मेटिंग हटानी पड़ती। पिक्चर्स में आ सकते हैं, दिस डिवाइस या फिर ऑनलाइन डिवाइस। पिक्चर्स और डेटा दोनों के बीच का जब हम एक्सेल के अंदर पेस्ट करते हैं तो एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब पिक्चर पेस्ट होती है वो एक्सेल के सेल के अंदर पेस्ट नहीं होती। तो अगर आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्सेल के जो सेल की बाउंड्रीज थी उन बाउंड्रीज के साथ वो अटैच रहे और विड्थ बढ़ाने के कॉलम की विड्थ बढ़ाने के साथ या रो की विड्थ बढ़ाने के साथ वो फोटो स्ट्रेच आउट होती जाएगी, तो ऐसा नहीं। फोटो इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह बाहर रहेगी। दैट्स इट। मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक फोटो ले लेता हूँ। मैं सीनरी है, मैं उस सीनरी को यहाँ डालने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं एक्सेल उठा लेता है तो, और एक्सेल ने मेरी फोटो यहाँ ले आ दी, बहुत अच्छी ला दी। अब अगर मैं कोशिश करूँ कि ये जे कॉलम और रो नंबर टू के कोने पर अटक जाए तो यहाँ पे ये स्नैप नहीं कर रहा है। इसको एरो से तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल रहा है मुझे, लेकिन वो स्नैप नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेल की विड्थ से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये ऊपर है सेल के। आप I2 पे क्लिक करके या I3 पे क्लिक करके J3 पे जा करके वापस वैल्यू लिख सकते हैं, ये वैल्यू आपको दिखेगी नहीं क्योंकि फोटो ऊपर है। तो आप बेसिकली समझ पा रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में जिस तरीके से आप फोटो को इंपोर्ट करते हो, अगर नहीं करते हो तो बिल्कुल फ्रेश मेमोरी है आपके लिए, ये आप आसानी से समझ सकते हो इस चीज़ को। अगर आप PPT पे काम करते हो या किसी और चीज़ पे काम करते हो तो वहाँ पे सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन होता है। अगर वो नहीं काम कर रहा है आपने तो भूल जाइए। यहाँ पर फोटो आपकी आपके सेल की वैल्यू से बाहर है और एक ऑब्जेक्ट की तरह आपकी शीट के ऊपर है। इसके नीचे के सेल्स पे डेटा हो सकता है। एक इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन हो गया। जब तक मैं पिक्चर पे हूं तब तक वो मुझे कुछ ऊपर के ऑप्शंस नहीं दिखाएगा, बल्कि एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिखा रहा है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा। वो वर्कशीट के हिसाब से ऑप्शंस को दिखा रहा है, अवेलेबल कर रहा है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है वो वर्कशीट के हिसाब से तो ऑप्शंस दिखा रहा है, लेकिन उसका फोटो पर कोई फॉर्मेटिंग वो नहीं कर रहा है। फोटो को राइट क्लिक करते हैं और उसको देखते हैं क्या कर सकता है। फॉर्मेट पिक्चर जा सकते हैं, साइज एंड प्रॉपर्टीज जा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, हाइपर लिंक लगा सकते हैं, सीधा कोई वेब पेज खोलना चाहें तो यहाँ से डाल सकते हैं। स्टाइल्स हैं यहाँ पर, स्टाइल्स में इसके अंदर प्री सेट्स होते हैं और इस तरीके के फिल्टर्स लग के वो फोटो के ऊपर इफेक्ट्स डाल सकते हैं। और बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको प्ले अराउंड करिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्रॉप से आप फोटो का साइज छोटा कर सकते हैं, जिसमें आप फोटोज के अनवांटेड एरिया को काट सकते हैं। जैसे कि लेट्स से कि मैं सिर्फ ये एरिया ले लूँ तो जब मैं छोड़ूंगा तो ये ऐसा हो गया, जब मैं इसको वापस बड़ा करूँगा तो वो फोटो का एरिया चला गया क्योंकि ये क्रॉप है। क्रॉप का मतलब है मैंने उस फोटो को परमानेंटली वहां से उस हिस्से को काट दिया, वो है नहीं अब मेरे पास। कंट्रोल जेड करके उस पिक्चर को मैं वापस ले आया हूँ। इससे मेरी ओरिजिनल पिक्चर को कुछ नहीं पड़ा, जहां से मैंने ये पिक्चर इंपोर्ट की थी इसके अंदर उस फोटो को कुछ नहीं होगा। इसके अलावा मैं फोटो में आ गया, क्रॉप का मैंने आपको बता दिया। चेंज पिक्चर में मैं इसकी जगह को एक और फाइल ले सकता हूँ, उसको चेंज कर देगा, कोई मैक्रो लगा सकता हूँ। मैक्रो एक्चुअली VB के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें कोडिंग की जाती है। अगर आपको विजुअल बेसिक आती है तो आप इसमें मैक्रोस लगा सकते हो, अगर नहीं आती है तो भी आप मैक्रोस लगा सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड फंक्शनैलिटी के मैक्रोस होंगे। और वो कैसे लगा सकते हैं, और कोई भी लगा सकता है, इससे मेरे मतलब है जिसको उसके सही मायने पता होंगे, जिसके बारे में मैं ट्रेनिंग दूंगा वो लगा पाएगा। जिसको उसका पूरा मायना नहीं पता होगा उसकी शीट्स खराब हो सकती हैं।
और कई बार इन शीट्स में बहुत डेटा होता है। मैक्रोस हाल फिलहाल में आपका काम बहुत आसान कर सकते हैं। अगर आपने VBC का है तो जाहिर सी बात है आपको इस कोर्स की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि शायद आपको एक्सेल आता होगा। साइज एंड प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मेट पिक्चर है, फॉर्मेट पिक्चर में क्या हो सकता है, 3D फॉर्मेट है, 3D फॉर्मेट में वो पूरी पिक्चर को लेकर के इस तरीके का एक फिल्टर लगा देगा और ये इसके बॉर्डर्स पे कर रहा है। इसके बाद मैं इसमें एक और फिल्टर लगा देता हूँ, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। ये सब काम जो हो रहा है वो उसके बॉर्डर्स पे हो रहा है, इसलिए ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। मैं इसकी लाइटिंग चेंज कर सकता हूँ, ये सब प्रीसेट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं आपके लिए अभी बिगनिंग में, लेकिन अगर आप अपना कोई CV का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो या रिज्यूमे बना रहे हो अपना और फिल्टर्स यूज़ करना चाहते हो मैच करने के लिए, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं इस फोटो को पे रिफ्लेक्शंस भी लगा सकता हूँ और ये सारे फंक्शंस यहाँ से हैं। बहुत अच्छे फिल्टर्स हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ करते हो तो आपको यही इफेक्ट लाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, और जहाँ तक मेरी जानकारी है MS पेंट में ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी से काम नहीं करती जहाँ पे ब्लेंडिंग भी हो। तो ये एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया और बहुत अच्छा से किया। बाकी के फंक्शंस पे आते हैं। ये फॉर्मेट शेप हो गई और यहाँ से मैं इसको अब हटा रहा हूँ। मोस्टली मैंने कवर कर लिए जो एरियाज यहाँ से कवर करने वाले थे। पिक्चर्स के बाद आता है शेप्स। शेप्स में बेसिक शेप्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, लाइंस हैं, तरीके तरीके की कस्टम शेप्स हैं, और इसके अलावा ड्रॉ टूल भी होता है। कस्टम शेप्स हैं सारी, ओवल है, पकड़ करके ट्रैक कर सकते हो और फिर उसके बाद आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो शेप को, एंड पॉइंट्स को लेकर के आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। जब आप यहाँ से जाते हो तो ये जो इधर उधर जा पा रहा है, अगर आप शिफ्ट दबा दोगे तो ये सिर्फ एक ही सही एंगल में जा रहा है। इस तरीके से आप इसके एंगल्स चेंज कर सकते हो और ये एक एग की तरह दिखना शुरू हो गया, जो हमारी फॉर्मेट नहीं थी और अभी कुछ और ही लग रहा है। बेसिकली मेरा मोटिव है कि आपको मैं समझा सकूं कि एक्सेल के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आप लोगों डिज़ाइनिंग कर सकते हो अपनी लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ। बहुत हाई पिक्सल वाली फाइल्स नहीं बना देगा, बहुत पब्लिश करने के लिए या प्रिंट करने के लिए बहुत एक्सुबरेंट फाइल्स नहीं बना देगा, लेकिन बेसिकली अगर आपको सिर्फ लेटर हेड्स बनाने हैं, कार्ड्स बनाने हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपका काम कर देगा। अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग पे आता जाऊँ, उसकी कलरिंग वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ, शेप का फिल जो है मैं इसके अंदर ग्रेडियंट डाल सकता हूँ और इस शेप को मैं इफेक्ट दे सकता हूँ। तो जिस तरीके से हम पहले देख रहे थे कि हमारे को 3D प्रीसेट्स में कुछ ज़्यादा असर नहीं मिला, लेकिन इनमें मिलेगा क्योंकि ये एक्सेल की खुद की होम ड्रिवन शेप्स हैं, खुद की मैन्युफैक्चर्ड शेप्स हैं और इसके पूरे वर्टिसेस को वो रीड कर पा रहा है। तो उसने हमें इस तरीके से एक पॉइंट दे दिया। मैं चाहूँ तो इसमें इंसर्ट में जा कर के एक टेक्स्ट बॉक्स डाल सकता हूँ, यहाँ टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स डालने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आ गया और मैंने इसमें अमन ना लिख दिया, मैंने इसमें अमन लिख दिया और मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को भी एडिट कर सकता हूँ। ये फॉर्मेट शेप में चला गया। इसके बाद मैं इसका जो फिल है उस फिल को जो है मैं ट्रांसपेरेंसी 100 कर रहा हूँ और ये यहाँ आ गया। तो इसको मैं वापस सिलेक्ट कर लूँगा, इसको एक्स्ट्रा एरिया को काट देता हूँ और इसको ये करने की बजाय मैंने डबल क्लिक करूँगा और 70 और वापस मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से दिखना शुरू हो गया और वापस ऊपर जा कर के मैं इसकी पोजीशन को जो है वो ये कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए भी जा सकता हूँ फॉर्मेट में और टेक्स्ट पे इफेक्ट्स डाल सकता हूँ। मैंने ग्लो डाल दिया और इसमें शेप इफेक्ट्स में जाके मैं वापस इसको भी ये कर सकता हूँ जैसा था। मोर लेस आपको बात समझ में आ गई कि इसमें आप बेसिकली एक जितनी क्रिएटिविटी करना चाहें वो आप उसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
प्ले अराउंड करिए और इसके अंदर जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको जब आप एक्सप्लोर करते जाओगे तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए ये क्रिएट करने की क्षमता रखता है। इंसर्ट में आते हैं और यहाँ है स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन की क्लिपिंग ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से कहीं से कोई ये क्लिपिंग ले ली और उसके बाद में वो यहाँ पे आ गया और इसमें मुझे क्रॉपिंग नहीं करनी पड़ी। तो बेसिकली मैं कोई वेब पेज पे काम कर रहा हूँ और मैंने वेब पेज पे गया और मैंने एक डेटा देखा और मुझे सिर्फ छोटा सा पार्ट चाहिए उस डेटा का, तो मैंने इस तरीके से फाइल को रख लिया, स्क्रीनशॉट पे गया और स्क्रीन क्लिपिंग, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इस तरीके से स्क्रीन की क्लिप कर लिया और ये मेरे पास क्लिप करा हुआ डेटा आ गया। अब ये डेटा प्रोसेसेबल डेटा नहीं है, ये जेपेग है, एक फोटो फॉर्मेट में है। इंसर्ट में हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट में आए और क्या है स्मार्ट आर्ट, बेसिकली आपको प्रीसेट्स मिल रहे हैं जिसमें आपको फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है और प्री डिजाइंड है तो इसलिए आपको कलर कॉम्बिनेशन सोचने की जरूरत नहीं है। खुलती विंडो हमको सबसे पहले देता है ऑल। ऑल का मतलब है किसी भी तरीके की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ज़्यादातर लिस्ट हैं, प्रोसेसेस हैं, साइकिल्स हैं, हायरार्की रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामिड, पिक्चर्स या office.com से कुछ एक रिसोर्स नया डालना। क्या होता है ये लिस्ट क्या है? अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, लेट से कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हो जिसमें ऑप्शंस आप पढ़ाते हो और ऑप्शंस में है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस वगैरह वगैरह, तो आप एक लिस्ट यूज़ करोगे। अगर आप कोई प्रोसेस की बात कर रहे हो तो आप जैसे स्टोरी राइटिंग और स्टोरी राइटिंग के बाद आप स्क्रिप्ट एडिट करेंगे या जो भी उसकी प्रोसेस हो सकती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोसेसेस हो सकती हैं। प्रोसेसेस यानी कि आपका स्टेप ए क्या है, स्टेप बी क्या है, स्टेप सी क्या है, एक प्रोसेस को आप एक रेपिटेशनल फॉर्म में जब दिखाना चाहते हो तो वो इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जो लास्ट प्रोसेस है वो वापस शुरू करती है फर्स्ट प्रोसेस को। उस तरीके की चीज़ को आप साइकिल की तरीके से स्मार्ट आर्ट से दिखा सकते हो। फिर हायरार्की है, जैसे कि ऑफिस के अंदर कौन बॉस है, उस वो डायरेक्टली किस कौन उसको रिपोर्ट करता है और उसके बाद बेसिकली वैसा। फिर रिलेशनशिप है, जैसे कि फिजिक्स का केमिस्ट्री से क्या रिलेशनशिप है या फिजिक्स का बायोलॉजी से क्या रिलेशनशिप है, उस तरीके की बात करने वाला और रिलेशनशिप के पॉइंट्स को एम्फोसिस करने वाला। फिर मैट्रिक्स हैं, पिरामिड हैं, एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोसेस देख लें। अब एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस में हम लोग ने ओपन किया एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पे आ गए हम। और यहाँ पे आने के बाद हमने इसका जो है शो टेक्स्ट पेन किया, टेक्स्ट पेन किया तो यानी कि ये एक विंडो खुल गई। इस विंडो के हिसाब से हम इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि ओपन, और ओपन में हमने क्या करना है, डोर, उसके बाद आता है हमारा एंटर, एंटर है दी रूम, उसके बाद आता है स्विच ऑन, स्विच ऑन क्या, दी लाइट, लाइट, और इसको भी दी डोर कर देते हैं। बेसिकली एक प्रोसेस है तीन स्टेप की, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट में जो भी चीज़ हो वो आप डाल सकते हो। लेकिन क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसमें राइट क्लिक करके देखता हूँ और रीसेट ग्राफिक करके देखते हैं क्या चीज़ और आ सकती है हमारे पास यहाँ पे। चेंज लेआउट में आके हमने देखा कि इसको हम प्रोसेस नहीं साइकिल करना चाहते हैं और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो इसने मेरे डेटा को उस तरीके से दिखा दिया। और ये वाला जो ऑप्शन है रीसेट ग्राफिक, ये मुझे वापस चेंज कलर्स और इस तरीके के टैब्स पे ले आया, जो मैंने राइट क्लिक करके देखा था वो डेटा यहाँ पे इस तरीके से भी अवेलेबल है। एक ही काम को करने के काफ़ी तरीके हैं और जैसा आपका हैबिट बनता जाए वैसा आप इस पर काम कर सकते हो। तो मुझे ये लग रहा है जिसमें एक 3D इफेक्ट आ रहा है लाइटिंग की वजह से, एक ये है जिसमें पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, थोड़ा सा शिफ्टेड एंगल है, तो
बेसिकली ये आप जितने एक्सप्लोर करोगे, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आप जितना अपना डेटा इसमें डालते जाओगे और उसके बाद आप उस पर ग्राफिकली देखना चाहोगे तो आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा है चार्ट्स। चार्ट्स एक एक्साइटिंग टॉपिक है और अभी प्राइमरीली हम लोग चार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे इंट्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद फिर हम डीप डाइव करते जाएंगे। बेसिकली कोर्स का पर्पस ये है कि जो बिगनर्स हैं वो कहीं लॉस्ट ना हो जाए, और जो मेरा चैप्टर फोर्थ है यानी कि फॉर्मूलाज, फॉर्मूला डेटा रिव्यू एंड व्यू, दैट इज फॉर पीपल हु हैव लेट्स से यूज्ड एक्सेल फॉर 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, एंड जो 6 महीने यूज़ कर चुके हैं एक्सेल को, उनके लिए जो एक्साइटिंग स्टफ शुरू होगा वो वहाँ होगा। बट मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके इनिशियल चैप्टर्स को देखते हैं तो आपको पास आपको लर्निंग के लिए और भी उसमें चीज़ें मिलेंगी, कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको नहीं पता थी।